एक बार क्या हुआ, एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत फेमस, लाइन लगी रहती थी। उसके पास एक बहुत बड़े व्यापारी ने अपना ऑफिस खोला और उसने देखा कि ये रेस्तरां बहुत फेमस है, तो आई शुड ऑल्सो गो देयर। वो वहां गया, लाइन में खड़ा हुआ। इतना सच में खाना इतना टेस्टी था कि अब वो रोज जाने लगा। तो कुछ दिन बाद उसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब एकदम भीड़ लगती थी, एक टाइम होता है जब लंच का ऐसी भीड़ लगती थी कि उसी भीड़ में एक बंदा घुस जाता था और खा पी के निकल जाता था। तो उसने उस रेस्तरां के ओनर को रोका, अगले दिन मिला और उसको कहा मुझे एक कंप्लेन करनी है भाई। बोल बताइए। बोले जिस समय ये पीक आवर्स होते हैं और क्राउड आता है, उसके साथ में ये एक व्यक्ति आ जाता है और बिना बिल पे किए चुपचाप बुफे का सामान फटाफट खा के जैसे भीड़ निकलती है उसके साथ निकल जाता है, तो यू शुड स्टॉप इट। तो वो बड़ी जोर से हंसा, उसने कहा यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे कंप्लेन की है, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है, मैं जानता हूं कि वो ऐसा करता। तो वो और चौंका व्यापारी, बोले ऐसा कैसे, आप जानते हो फिर भी नहीं रोकते। बोले जब मुझे पहली कंप्लेन हुई तो मैंने सोचा कि मैं इसको जरूर अगले दिन पकड़ूंगा, पर रंगे हाथ पकड़ूंगा। भीड़ के साथ मैंने देखा कि वो अंदर आया, उसने खाया भी और वो वेट कर रहा था और भीड़ के साथ निकला भी, तो मैंने कहा मैं अभी इसको पकड़ूं, देखूं ये जाता कहां है। तो मैं चुपचाप इसके पीछे पीछे गया तो देखा कि ये पास में पिछली गली में भिखारी था, होमलेस था, जो आ जाता था और खा जाता था। तो मैंने कहा ठीक है, अब कल रंगे हाथ इसको पकड़ूंगा। पता चल गया कि काम धंधा कुछ करना नहीं है, बस पड़े रहना और ऐसे चोरी करके खाना। अगले दिन मैं पूरा प्रिपेयर था और मैंने शुरू से ही नजर ठहरा रखी थी जब ये घुसता उसके पहले से। तभी मैंने एक चीज देखी कि मेरा 9 बजे जो पीक आवर्स होता था ब्रेकफास्ट का, ठीक 9:30, 8:30, 9 बजे ये आया और दरवाजे के पास बैठा। और मैंने जब उसको देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ा, वो वहां बैठा बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान कब भीड़ आएगी, कब भीड़ आएगी, जल्दी से भीड़ बुलाओ, इतनी भीड़ बुलाओ कि मुझे कोई ना पकड़ सके और उस चक्कर में मैं अंदर घुसूं। जब मैंने ये प्रार्थना सुनी तो मैं तो आश्चर्य में पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा रेस्तरां तो 2 साल से खुला है पर ये 6 महीने से क्यों भीड़ आ रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। आज मालूम चला कि उस एक की प्रार्थना की वजह से मेरा घर चल रहा है। इसलिए कर्तृत्व के अभिमान से निवृत्त हो जाओ। जो आपको मिल रहा है पता नहीं कि वो आपसे मिल रहा है कि किसी और से मिल रहा है, किसकी रोटी खाने को मिली है मालूम नहीं, किसी के भाग की रोटी थी जिसकी दया से तुमको मिल। अगर कर्म पर ये कंपैशन आ जाए, करुणा जग जाए, ये निराभिमानता आ जाए, तो कर्म से निर्वाण की प्राप्ति।